नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि बिहार के 16 जिलों के 71 विधानसभा सीटों पर सख्त सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री बिहार के दरभंगा जिले में जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच साझा करते हुए बिहार की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वो बिहार को विकास की राह पर ले जाएंगे। साथ ही नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील किया है कि पहले चरण का मतदान शुरू है, तो ऐसे में उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा है कि चुनाव के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही साथ मास्क लगाना ना भूलें। विशेष क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आप खुद सुनिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज पहले चरण का मतदान चल रहा है। जहां जहां मतदान हो रहा है, उन सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि कोरोना से बचने के लिए पूरी सावधानी बरतें। चुनाव के व्यस्त कार्यक्रमों के बीच हमारे सहयोगी और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मेरे मित्र भाई मुकेश साहनी जी को कोरोना हो गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री भाई सुशील मोदी जी को भी कोरोना से लड़ना पड़ रहा है। मैं बिहार के किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जो इस गहमागहमी के समय कोरोना से ग्रस्त है, तो मैं उन सब के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करता हूं। बिहार के नागरिक भी इस कोरोना के संकट काल से अगर कोई बीमार है तो जल्द स्वस्थ हो जाए, यही मैं प्रार्थना करता हूं। साथियों, महाकवि विद्यापति ने इस क्षेत्र के लिए एक बार मां सीता जी से प्रार्थना की थी और विद्यापति जी ने मां सीता जी से कहा था, जन्मभूमि अच्छी मिथिला, समारोह है मां, कनी आबी अपन नहर निहारू है मां। विद्यापति जी ने तब के मिथिला की स्थिति पर मां से आग्रह किया था। अब आज हम देखें तो बीते 15 वर्षों में बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ा है। आज मां सीता अपने नैहर को तो प्रेम से निहार ही रही होगी, अयोध्या पर भी आज यहां की नजर अवश्य होगी। सदियों की तपस्या के बाद अब आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। वो सियासी लोग जो बार बार हमें तारीख पूछा करते थे, बहुत मजबूरी में अब वो भी तालियां बजा रहे हैं। मां सीता के इस क्षेत्र में आकर मैं यहां के लोगों को राम मंदिर निर्माण की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आप उसके प्रमुख हकदार हैं। भाइयों और बहनों, भाजपा की पहचान है, एनडीए की पहचान है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं।
तो आपने सुना जिस तरीके से पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए साफ तौर पर अपील किया है कि चुनाव के दौरान वो मतदान अगर करने जा रहे हैं तो अपने साथ सैनिटाइजर और मास्क और फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।